अभी तक बहुत ही अच्छा आ रहा है, जितने भी अभी तक यहाँ से मशीनें गई हैं बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक, आपको फ्री सर्विस मिलती है बिल्कुल। और आप यहाँ से चलेगी घर की बिजली, घर की बिजली से चलेगा। अगर आप यहाँ से मशीन परचेज करते हो तो यहाँ से टेक्नीशियन जाएगा, आपको डिजाइन आप नमकीन बना सकते हो, आपको डिजाइन वैसे आप बना सकते हो नमकीन की पेंट, आपके काम में फर्सर मेकिंग मशीन भी, फर्सर मेकिंग मशीन जी सर, आप इसको नमकीन भी बोल सकते हो, गेस्ट आते हैं तो हम उनको चाय नमकीन बिस्किट ये चीजें सर्व करते हैं, मिठाई। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों आज हम एक फिर से आए हुए हैं बिहार चल के सीधे नोएडा के रॉयल मशीनरी में। दोस्तों अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको छोटे मशीन से लेकर फैक्ट्री लेवल तक की मशीन आसानी से मिलने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से सैनिटरी मेकिंग मशीन लगा हुआ है। बाकी देख सकते हैं इसके बगल में देखिएगा तो यहाँ पे मोमो मेकिंग मशीन लगा हुआ है। दोस्तों आज के प्रॉपर वीडियो में आज हम बताएंगे नमकीन मेकिंग बिजनेस के बारे में। नमकीन आप कैसे बनाइएगा, कैसे मार्केट में सेल करिएगा, क्या उसको बनाने का कॉस्ट गिरने वाली, कितना प्रॉफिट होने वाला है, मशीन क्या क्या लगाना है, ए टू जेड जानकारी पूरी डिटेल्स में दोस्तों चर्चा करेंगे, आप लोग अंत तक बनेगा। चलिए तो यहाँ के एक मैम प्रीति मैम से मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट और मार्जिन कितना परसेंट का होने वाली है। मशीनरी से प्रीति मैम, प्रीति मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम। जी सर। मैडम चाहेंगे अपने इस कंपनी का नाम और इसका एड्रेस हमारे व्यूअर को अच्छे तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल सर, मेरा नाम है प्रीति सिंह और हमारी कंपनी का नाम है रॉयल मशीनरी या कुनवाड़ा सेक्टर 6 डी ब्लॉक 58 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 15। तो हम आपको एक ऐसी बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर बैठे अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो। जैसे सर आपको पता है कि हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको चाय नमकीन बिस्किट ये चीजें सर्व करते हैं, मिठाई सर्व करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर नमकीन सर्व करते हैं या बिस्किट तो सबसे पहले ध्यान हमारा उसी चीज पे रहता है कि गेस्ट कब जाए और सबसे पहले हम उस नमकीन को खाके खत्म कर दें। शायद आप भी बचपन में किए होंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे रखी गई है जिसका नाम है फर्सन मेकिंग मशीन। जी सर, आप इसको नमकीन भी बोल सकते हो, फर्सन भी बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये आपका हो गया आप फर्सन मेकिंग मशीन। इसके साथ साथ आपको मिलेगी एक मिक्सर मशीन, फ्रायर मशीन, ड्रायर मशीन और एक पैकिंग मशीन। मतलब कुल मिला के 4 मशीन चाहिए ना? जी सर, 4 मशीन। कैसे कैसे प्रोडक्शन होगा थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर को। मैं रॉ मटेरियल, पहले आप अपना रॉ मटेरियल मिक्स करोगे, क्या क्या आपको क्या मिक्स करना होगा, मैदे का बिल्कुल, आप अपने मैदा मिक्स करोगे बिल्कुल, नमकीन बनानी है आपको बिल्कुल, तो उसमें बेसन हल्दी नमक जो भी आप मसाला उसमें ऐड करते हो नमकीन के लिए वो आप डाल दो, फिर आप देख सकते हो यहाँ आप डालोगे अपना। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको मटेरियल यहाँ पे डालना होगा ना? जी सर। क्या चीज हॉपर वगैरह इसका आता है क्या? बिल्कुल, ये आप अंदर डाल दोगे या आप देख सकते हो इसके नीचे आपकी डाई लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी डाई लगी हुई, नीचे आपकी फ्रायर लग जाएगी, फ्रायर मशीन कैसा होता है? हाँ, वो जैसे फ्राई करने के लिए आता है जो कढ़ाई आप रख दोगे। हाँ ये हो गया, आप ये देख सकते हैं ये आपकी डाई है, डाई अपने अकॉर्डिंग जो भी डिजाइन के आप नमकीन बनाना चाहते हैं आपको डिजाइन वैसे आप बना सकते हो। नमकीन डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो, इसका भी अलग अलग साइज अलग अलग डिजाइन आता है, बाकी आप चाहेगा तो चांद सितारा जो भी आप बनाना चाहते हो। बिल्कुल, देखिए ये एक अलग ही डिजाइन आपको होने वाली है। अच्छा मैडम, कोई अगर चाहेगा इसको मोटा पतला अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना, क्या पॉसिबल है? सर देखो, छोटा मोटा पतला तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपको डाई चेंज करनी है, वो डाई के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो आप डाई लगोगे वैसे आपकी नमकीन बनके तैयार होगी। नहीं, जैसे हमारे कहने का मकसद है ये तो छोटा बड़ा साइज में फिक्स किया गया। हाँ। हम चाह रहे हैं कि इसको और थोड़ा पतला या फिर और लंबा या फिर मोटा करें, तो पॉसिबल है डाई बनाना यहाँ पर? बिल, अगर आपको डाई चाहिए अलग से आप डाई परचेज कर सकते हो, बनवा सकते हैं ना जी, मतलब ये आपका हो गया। इसके साथ साथ ये आपको मिलेगी ड्रायर मशीन। अगर ड्रायर मशीन है ना, जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप ये नमकीन बनाते हो तो बहुत ज्यादा इसमें ऑयली ऑयली हो जाती है, बिल्कुल, तो आप इसमें नमकीन डालो ताकि आपका जो तेल है वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये आपका हो गया ड्रायर मशीन। इसके साथ साथ आपको मिलेगी एक पैकिंग मशीन। पैकिंग मशीन जैसे एक पैकेट में आप पैक करो, पैकिंग करके आप मार्केट में आप सेल कर दो, पैकिंग मशीन लेनी होगी। पैकिंग मशीन आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक आती है सेमी ऑटोमेटिक, कहते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक जैसे कि उसमें होता है 250 से 300 ग्राम तक अगर आप पैक करना चाहते हैं बिल्कुल वो भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं मैनुअल में भी आपको ये मशीन मिल जाएगी पैकिंग के लिए। पैकिंग के लिए मशीन दोस्तों यहाँ पे आसानी से आपको मिलने वाली है। मैडम ऑल ओवर बात करें अगर जो लोग इस मशीन को लेकर के जाते हैं तो ऑपरेट क्या चीज़ से करेंगे, मतलब बिजली से होगा या फिर? बिल्कुल, ये सर आपको सिंगल फेस पे चलेगी घर की बिजली, घर की बिजली से चलेगा। अगर आप यहाँ से मशीन परचेज करते हो तो यहाँ से टेक्नीशियन जाएगा, आपको ट्रेनिंग देगा और ये मशीन सेट करके आएगा। अच्छा मैडम ऑल ओवर बात करें अगर जो लोग प्रोडक्ट बना लिए तो उसका कॉस्ट कितना गिरेगा और मार्केट में सेल कितना में होगा? बिल्कुल सर देखो, जैसे कि अगर आप रॉ मटेरियल लेते हो तो पूरा ऐड करके मैं बताती हूँ आपका 2 रुपए में बनके तैयार होता है। ठीक है, पैकिंग करके लेबर कॉस्ट लेके आपका 2 रुपए में बनके तैयार हो गया। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इजिली आप मार्केट में सेल करते हो तो आप देखते हो कि छोटी वाली पैकेट 5 की आती है, उससे बड़ी वाली पैकेट 15 की आती है, 10 की, 20 की, तो जैसे जैसे साइज आप पैकेट का बढ़ाते जाते हो वैसे आपकी प्राइस भी बढ़ती जाती है ना। जी सर,
सेल की अगर बात करूं तो सेल भी अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हो, आप बस स्टॉप पे भी सेल कर सकते हो, स्टेशन पे भी आप सेल कर सकते हो, आप छोटे छोटे शॉप पे भी अगर देखते हो बाहर कहीं गांव में भी छोटे से एक शॉप लगी होती है, छोटी होती है, आप इजिली वहां भी आप सेल कर सकते हो गाँव में भी। इस तरह से दोस्तों आप यहां से मशीन परचेज करके और काफी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा मैडम, अगर ये मशीन लेकर के जाते हैं किसी तरह का तकनीकी इशू अगर आता है तो उसको आप लोग किस तरह सॉल्व करते हैं? बिल्कुल सर, देख सकते हो कोई भी मशीन यहां से आप परचेज करते हो, जैसे हमारे पीछे आप देख सकते हो सैनिटरी पैड है, बायोडिग्रेडेबल नॉन वोवन कैरी बैग एडिबल कप या पानी पूरी मेकिंग मशीन, आटा चक्की, अगर ये मशीन कोई भी मशीन आप यहां से परचेज करते हो तो आपको कोई भी मशीन में बता दूंगी एक साल की वारंटी और पांच साल की आपको फ्री सर्विस मिलती है। बिल्कुल, और आपके यहाँ डिलीवरी का क्या सुविधा होने वाली है? बिल्कुल सर, देखो डिलीवरी के लिए आपको डिलीवर के लिए अगर मशीन परचेज करते हो तो आप एक बार विजिट करो, सीनियर से हमारे बात करो, इंटरेस्टेड हो मशीन लेने में तो आप प्राइस का भी जो भी इशू हो रहा है, आपको ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, आप एक बार सर से बात करो, अगर आप पूरा पेमेंट करते हो ये मशीन आपके यहाँ चले जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैं बता दें, हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया डिलीवर होती है, अगर आप विजिट नहीं भी कर सकते हो तो स्क्रीन के दिए गए नंबर पर कॉल करो, हम आपको वीडियो कॉल पर मशीन दिखा देंगे। मैडम, कोई अगर अपने नाम का कस्टमाइज ब्रांडिंग मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो उसको आप लोग कैसे मतलब हैंडल करते हैं? बिल्कुल, जो भी अपने नाम से लॉगिन कराना चाहता है, डलवाना चाहता है, तो एक बार आप हमारे कंपनी विजिट करो, हमारे सीनियर से बात करो, वो भी आपका हो जाएगा। यहाँ से पॉसिबल है ना? बिल्कुल सर, यहाँ से पॉसिबल है। कोई भी मार्केटिंग में आपकी इश्यू होती है तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, मार्केटिंग में कोई दिक्कत होगी तो हम आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। बाकी जो लोग ये मशीन के इससे पहले लेके गए उनका फीडबैक क्या है? फीडबैक तो देखो सर अभी तक बहुत ही अच्छा आ रहा है, जितने भी अभी तक यहाँ से मशीनें गई हैं बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक है। बाकी और कौन कौन मशीन यहाँ पे मिल रही है थोड़ा दिखा दीजिए? हमारे पास ये देख सकते हो आपका नमकीन मेकिंग मशीन हो गया, दो नेडर जो आटा गूंथने का काम करती है, या आपके अगर ऑटोमेटिक शुगर कैन मेकिंग मशीन जी सर, या आपका हो गया मोमो शीट, जैसे कि अगर आप मोमोज बनाते हो तो बेलने का काम करते हो, आप शीट बनाने का काम करते हो तो आपको शीट बनाने की भी जरूरत नहीं, आटा गूंथो यहाँ रखो आपका शीट ये बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाएगा आपका। ये आप देख सकते हो आटा चक्की मेकिंग मशीन, या आप गेहूं डालो चावल भी डालो आपका ये ग्राइंड करके निकाल देगा, निकाल देगा। ये आप देख सकते हो हमारे पीछे सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन, जो हर घर में एक महिला यूज करती है, जो घर बैठे एक महिला भी अपना एक बिजनेस शुरू कर सकती है। बिल्कुल जी, और ये आप देख सकते हो अगर कम बजट में अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आप ये मशीन देख सकते हो, जिसका नाम है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। ये आप कहीं भी किसी शॉप पे भी आप लगा सकते हो, गांव में भी लगा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज। क्या कहना चाहिएगा हमारे व्यूअर को? जाते जाते हम यही कहेंगे कि किसी की चिक पिक 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 सुनने से अच्छा है कि आप स्क्रीन के दिए गए नंबर पे कॉल करो और ये मशीन परचेज करो, और खुद पे आप डिपेंड रहो, किसी और पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं। आप ये मशीन परचेज करके डेली के आप 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो महिला। महिला के नाम से मैंने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरी हेल्प मिल रही है, महिला अगर अभी बिजनेस करती है तो आपको 35% की सब्सिडी मिल रही है। तो जल्दी जल्दी स्क्रीन के दिए गए नंबर पर कॉल करो और हमारी कंपनी में विजिट करो, जिसका नाम है रॉयल मशीन या पुनर्डा सेक्टर से डी ब्लॉक 58 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 15। दोस्तों आज तो इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।